मुरादाबाद की कोतवाली बिलारी क्षेत्र के गांव में ईद के दिन मनाए गए जश्न और कोरोना महामारी के दौरान निकाले गए जुलूस का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। नामजद किए गए लोग सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थक बताए जा रहे हैं। पूरा मामला बिलारी के गांव इब्राहिमपुर का है, जहां सोशल मीडिया पर गांव में निकाले जा रहे जुलूस का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में एक युवक देसी तमंचे से फायरिंग करता हुआ भी नजर आया, जिसका पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। जुलूस के संबंध में जब नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मोहम्मद साजिद से जानकारी ली गई, तो उन्होंने इसे सीधे तौर पर सपा विधायक और उनके चाचा की साजिश करार दिया और कहा कि पंचायत चुनाव में मिली हार को सपाई पचा नहीं पा रहे हैं। मोहम्मद इब्राहिमपुर में हम लोगों को सूचना मिली थी ईद के दिन कुछ ग्राम प्रधान और कुछ उनके समर्थकों के द्वारा लगातार जुलूस निकाला जा रहा था। इसके बारे में हम लोगों को कल वीडियो के माध्यम से सूचना मिली, वीडियो वायरल हो रहा था व्हाट्सएप पे, तो हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसमें कल रात में हम लोग FIR दर्ज कराए हैं। उसमें ये है कि जो वर्तमान ग्राम प्रधान है मोहम्मद साजिद, उनके द्वारा था साथ में उनके लगभग नामजद 16 समर्थक है, जिनका नाम हम लोग प्रकाश में आ चुका है। बाकी कुछ और अभी अज्ञात जो उनके समर्थक थे साथ में मिलकर जुलूस निकाला जा रहा था, और फिर उसके बाद उनके द्वारा आपस में उनके तमंचे को लेकर घूमा जा रहा था। साथ में एक दूसरे के ऊपर फायरिंग भी कई लोगों के खिलाफ की गई है, जिसमें हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 307 और महामारी अधिनियम का धारा 3 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामला कुछ नहीं था, उनकी अक्रम की तबीयत ख़राब थी, वो मेंबर वार्ड हैं, उनके लिए पब्लिक देखने आ जा रही थी, थोड़ी भीड़ हो रही थी उसके लिए, बाकी जाली है सारा मुकदमा। ये नौबत इसलिए आई, वो सपा के विधायक हैं, विधायक के चचा मोहम्मद उस्मान, उनका और मेरा सामना आमना सामना था, दोनों कैंडिडेट है। मैं भारी मत से जीता हूँ 539 वोटों से। उन्हें ये जीत हजम नहीं हो रही, वो जाली मुकदमा करा रहे हैं, इसकी जांच करें या व्यक्ति टोटल आदमियों गांव में जो भी है सबसे जांच कराई जाए इसकी। नहीं, फायरिंग मेरे सामने, कोई जुलूस, कोई भीड़ मेरे सामने कोई एकत्र नहीं हुई थी। वो जो भी घटना दिखा रहे हैं वो इलेक्शन से पहले की घटना है, जब लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू नहीं हुई थी। उस पूरे इसमें पुलिस द्वारा बादी SI प्रवीण कुमार हैं, सैंसपुर चौकी इंचार्ज इसमें बादी हैं। अब उन पर किस तरीके से प्रेशर या क्या रहा होगा जो उन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया है, इसकी जांच भी हम लोग अधिकारी द्वारा और जो हमारे माननीय लोग हैं उनके द्वारा हम जांच कराएंगे कि इसमें एकदम मुकदमा पंजीकृत करने का क्या कारण रहा। अभी संज्ञान नहीं था, अब आप लोग के माध्यम से और इब्राहिमपुर के लोगों के माध्यम से, प्रधान जी के माध्यम से संज्ञान हुआ है। अब इसमें उच्च लेवल तक जानकारी करी जाएगी और बताया जाएगा।